नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सोनभद्र में बालू साइड के पास भयंकर हादसा, ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। चौपन के जुगेल थाना क्षेत्र अंतर्गत महलपुर बालू साइड पर शनिवार की रात्रि लगभग 11:30 बजे बालू रोड करवाने गए सभासद प्रतिनिधि एवं अपना दल एस के जिला सचिव राकेश बिंद पुत्र उमाशंकर बिंद उम्र 36 वर्ष बालू लोड कराने जा रहे थे, तभी दो ट्रक की चपेट में आ गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर जैसे ही इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। आनंद फार्म में परिजन के साथ ही सैकड़ों की संख्या में शुभचिंतक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही जुगेल चौपन एवं ओबरा की पुलिस मौके पर पहुंची। लगभग 4 घंटे के मौन मनोबल के बाद सहायता राशि मिलने के पश्चात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राकेश बिंद अपना दल एस के जिला सचिव भी थे और उनकी पत्नी अनीता बिंद वार्ड नंबर 3 की सभासद भी हैं। राकेश काफी दिनों से महलपुर बालू साइड पर गाड़ी लोड करवाने का कार्य करते थे। शनिवार को भी वह दोपहर में अपने परिवार के साथ भोजन करने के बाद 2 बजे दिन में बालू साइड पर चले गए थे। रात में उनकी पत्नी और अपने बहनोई से मोबाइल पर बातचीत भी हुई थी। रात लगभग 11:30 बजे जैसे ही वह बालू लोड कराने जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो दो ट्रकों के बीच में फंस गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ओबरा पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे भी पहुंच गए। वहीं आक्रोशित परिजन और शुभ चिंतकों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से मना कर दिया। लगभग 4 घंटे बाद सुबह 5 बजे परिजनों को सहायता राशि मिलने के पश्चात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक के एक पुत्र आराध्य 10 वर्ष एवं एक पुत्री अद्रिता 5 वर्ष है। मृतक की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है। गुणानंदन से हर लोगों की आंखें नम हो गई। मृतक राकेश बिंद अपने मधुभाषी व्यवहार से हर लोगों को चहेते थे। अचानक से हुई इस दर्दनाक घटना से हर कोई हतबद है। वहीं इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राकेश जैन की रिपोर्ट।